अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कार एंड ड्राइव। दिस इज़ लैंड रोवर रेंज रोवर सुपर चार्ज एस यू वी, द मोस्ट लग्जूरियस एस यू वी। नाउ लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। फ्रंट एलईडी हेडलैम्प्स हैं विद डे टाइम रनिंग लाइट्स। फ्रंट ग्रिल जो है इसकी क्रिस क्रॉस शेप में है इन सिल्वर फिनिश, और ऊपर यहाँ पे रेंज ओवर की बैजिंग है। इसके अलावा फोग लैंप्स इसके यहाँ पे दिए गए हैं, और ये पार्किंग सेंसर्स हैं इसमें। आगे टेल लाइट्स की बात करें तो ये बहुत ही प्यारी लग रही हैं, एलईडी लैंप्स हैं विद ब्रेक लैंप्स। इसके अलावा यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर नज़र आ रहा होगा, उसके साथ यहाँ पे सेंसर्स, यहाँ पे देखें तो ये सुपर चार्ज की वैजी। इधर इसका जो है ऊपर हमारे पास वॉशर होता है, और एक रियर व्यू कैमरा हमारे पास। 20 इंच अलॉय व्हील्स हैं इसके विद सिल्वर रिम्स। इसके अलावा बॉडी कलर्ड डोर हैंडल है इसका, ऑटोमेटिक साइड मिरर है, और इसमें हमारे पास टर्न सिग्नल्स नहीं है। ये जो हमारे पास ग्रिल्स दी गई हैं साइड सिल्वर फिनिश में, और ये लाइट, ये हमारे पास जो है फुट स्टेप दिया गया है इसका। गाड़ी में इंटीग्रेटेड फुट स्टेप दिया गया है, जब आप डोर ओपन करते हैं तो ये बाहर आ जाएगा, और देन क्लोज, और ये क्लोज हो जाएगा। ड्राइवर साइड डोर की बात करें तो यहाँ पे ये पावर विंडोज़ हैं चारों, ये विंडोज़ लॉकर, और आगे यहाँ पे मिरर कंट्रोल, और ये जो है स्विच कंट्रोल का बटन। उसके अलावा इसकी आर्मरेस्ट देखें तो ये इसकी लेदर आर्मरेस्ट है, और नीचे अगर डोर पॉकेट देखें तो इसकी जगह इतनी स्टोरेज नहीं है। डोर हैंडल इसका सिल्वर फिनिश में है, और ये साथ एक स्पीकर दिया गया है। यहाँ पे हम लोग ड्राइवर साइड पे देखें तो ये जो हमारे पास सामने दिया गया है ये लाइट एडजस्टमेंट है, और साथ के लाइट एडजस्टमेंट के बटन्स हैं। इसके अलावा ऊपर हमारे पास यहाँ पे एसी वेंट दिया गया है, और ये भी सिल्वर आउटलाइन में है। लेदर रैप्ड टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील है इसका, और इसमें काफ़ी कंट्रोल्स मौजूद हैं। इस साइड पे देखें तो ये ऑडियो कंट्रोल्स हैं, और ये जो वॉइस कमांड का बटन है। दूसरी साइड पे देखें तो ये क्लस्टर कंट्रोल। इसके अलावा यहाँ पे ये सिल्वर यूज़ हुआ हुआ है, और ये एयरबैग मौजूद है। डिस्प्ले क्लस्टर में हम लोग देखें तो यहाँ पे स्पीडोमीटर, आरपीएम मीटर, फ्यूल गेज, टेम्परेचर गेज, और टैकोमीटर वगैरह मौजूद हैं। गाड़ी के सेंटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास डुअल एसी वेंट्स, और यहाँ पे हमारी स्क्रीन दी गई है, और इस साइड पे इसके हमारे पास फिजिकल कंट्रोल्स मौजूद हैं। दूसरी साइड पे देखें तो यहाँ पे माउंटेन हाईवे मोड कंट्रोल्स। इसके अलावा नीचे हमारे पास एक बटन दिया गया है ग्लव बॉक्स ओपनिंग का। यहाँ पे हमारे पास एसी वेंट्स हैं। यहाँ पे देखें तो ये वेंटिलेशन कंट्रोल, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो है टेम्परेचर कंट्रोल। यहाँ सामने हमारे पास जो है हीटेड सीट्स के बटन दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो बटन हैं ये है बूट ओपनर और एसी का बटन। इस तरफ हमारे पास डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और पार्किंग सेंसर का बटन है। यहाँ पे एनालॉग क्लॉक,
ये इसका ऑटोमेटिक गियर है, लेदर रैप्ड। इसके अलावा ये जो है हमारे पास, ये है टेरेन एडजस्टमेंट नॉब, और यहाँ पे ये सिल्वर फिनिशिंग है। टेरेन ऑप्शंस मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। फर्स्ट ये जो है इंक्लाइन रोड के लिए है। इसके अलावा ये वाला जो है ये डेजर्ट रोड, ये वाला है मड के लिए, ये स्नो के लिए है, और ये जो है ये हमारे पास नॉर्मल रोड के लिए है। नीचे यहाँ पे इसके जो बटन्स दिए गए हैं, इनमें हमारे पास जो है वो सस्पेंशन को एडजस्ट करने के बटन्स हैं। गाड़ी को आप यहाँ से रेस कर सकते हैं और लो कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है। इसके अलावा ये हमारे पास एशट्रे, और इसमें सिगरेट लाइटर भी मौजूद है। अब इसके आर्मरेस्ट हम लोग चेक कर लेते हैं, तो इसमें भी हमारे पास स्टोरेज स्पेस है। फ्रंट पैसेंजर साइड पे देखें तो यहाँ पे रेंज रोवर की बैजिंग है, और एसी वेंट्स विद टेम्परेचर कंट्रोल दिया गया है। यहाँ पे हमारे पास स्पीकर दिया गया है, लेदर आर्मरेस्ट, और यहाँ पे हमारे पास बॉडी कलर लैंड रोवर बैजिंग। ओवरहेड कंसोल की बात करें तो हमारे पास इस साइड पे जो है एयर सस्पेंशन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका इंडिकेटर है। उसके अलावा दूसरी साइड पे हमारे पास पावर मून स्विच, ये हमारे पास मैप लाइट्स हैं, और ये जो है सनग्लास होल्डर। सनवाइजर्स इसके देखते हैं, इनमें हमारे पास जो है वैनिटी मिरर्स मौजूद हैं विद सेंसिंग लाइट्स। ब्लैक लेदर सीट्स हैं इसकी, और इनमें हमारे पास कूलिंग और हीटिंग का फंक्शन है। रियर पैसेंजर्स के लिए हमारे पास यहाँ पे एसी वेंट्स विद कंट्रोल्स दिए गए हैं, और नीचे ये जो नॉब्स हैं हमारे पास सीट्स हीटिंग के नॉब्स हैं। रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे हेडरेस्ट में इंटीग्रेटेड स्क्रीन्स मौजूद हैं, और ये इसके सीट्स बैग्स।